इंदौर में दवा बाजार के व्यापारी कपिल मित्तल पर बदमाशों द्वारा पार्किंग में जानलेवा हमले की घटना सामने आई है, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुंह पर कपड़ा बांधे अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। बदमाश बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में भागता हुआ नजर आया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। फ्रेंड के साथ आया था मैं और एक कॉलोनी क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे वॉचमैन के संग तीन चार लोग दारू पी के बैठे हुए थे, तो हम लोग घुस रहे थे तो उनने मुझे रोका, तो हम लोग भी रुक गए। मतलब क्या हो गया भैया, तो एक भैया जो रेड कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे तो बहस करने लगे यहाँ से कैसे निकल जाएगा ये वो। मैंने बोला भैया यार ऐसा कुछ थोड़ी, मैं बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने फ़ोन लगाया पापा को, मतलब पापा ऐसी ऐसी गलत बात कर रहे ये वो, तो पापा ने बोला मैं आता हूँ मैं बात कर लेंगे अपन। उससे पहले आया तो एक कॉलर मेरे, मैंने जैसे पापा को फ़ोन लगाया तो एक ने सुन लिया, वो मेरी कॉलर पकड़ के अंदर लेके गया और फिर हम लोगों को मारना चालू कर दिया। भैया कॉलोनी में ही रहते, एक वॉचमैन भी है पतला दुबला सा और साथ में दो बंदे और थे, फिर बाकी तो कॉलोनी आ गई थी पूरी। नहीं भैया बड़ा कोई नहीं था, सब टीनेजर्स ही थे उसमें, टीनेजर्स थे 27-28 से ज़्यादा।